हाय दोस्तों, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं बैंगन टमाटर और आलू का चोखा बनाने नए तरीके से। इस तरह चोखा झटपट बन के तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो दो बैंगन लिए हैं हम, दो टमाटर और तीन से चार मीडियम साइज आलू, तीन से चार हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कट लगा दिए हैं बैंगन और आलू में, हमको टमाटर को नहीं काटना है दोस्तों। तो देखिए, कट लगा के हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। धो के हम कुकर लिए, कुकर में अच्छी तरह से डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कुकर में बैंगन को धो के अच्छी तरह से डाल दिए हैं और आलू भी डाल देंगे। तो देखिए, हल्दी है, अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो देखिए दोस्तों, हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब लहसुन की 8 से 10 कलियाँ छिलके रखे थे वो डाल देंगे। तो देखिए, हमने डाल दिए हैं दोस्तों। अब टमाटर जो है उसमें हमको कट नहीं लगाना है, आलू और बैंगन के बीच उसको अच्छी तरह से बिठा देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने बिठा दिए हैं। बिठा के इसमें अब डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच ऑयल। तो देखिए दोस्तों, हमने 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, हमने छोटे चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक डाल दिए हैं दोस्तों। नमक डाल दिए दोस्तों। अब इसको ढक्कन को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए, हमने ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी लगने देंगे मीडियम में। गैस को मीडियम करके लगाना है। तो हमने 3 सीटी लगाए दोस्तों। तो देख सकते हैं, टमाटर बैंगन और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करके अब हम कटोरी में इसे निकालेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरह से मिक्स हो गया है दोस्तों। आप चाहे तो आप चाहे इसे ऊपर से धनिया पत्ता और प्याज काट के डाल के खा सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने नहीं डाले हैं काट के। तो देखिए दोस्तों, बैंगन का चटनी चोखा बहुत जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। तो आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।